वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरुद्वारा सभी बंद पड़े हुए हैं। लोगों में इस कदर भय व्याप्त है कि लोग वहां जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाएगा। हम आपको अगर बताएं अभी कि हम अनजान शहीद मज़ार है जो गढ़वा जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है, यहाँ पर मुहर्रम की 7वीं तारीख को पूरी भीड़ लगी रहती थी। यहाँ पर लोग आते थे, चादर पोशी करते थे, बरकत की दुआ मांगते थे, लेकिन आज आप देखिए पूरी तरह से मज़ार सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि सभी जगह बंद है। हमने आपको शुरुआत ही बताया कि यहाँ पर जहाँ पर ईद और बकरीद, खुशियों की ईद और बकरीद लोगों ने घर में मनाया, कहीं मस्जिद में भीड़ में जाकर नमाज और फातिहा नहीं किया, और आज मुहर्रम है, मुहर्रम को भी पूरी तरह से सुकून के साथ घर में ही मनाने का फैसला लिया गया है। आज जिस मज़ार पर हर साल दशकों से यहाँ पर भीड़ लगा करता था, आज 7वीं तारीख को लोग दूर दूर से जिला मुख्यालय के साथ साथ पड़ोसी राज्य जो है बगल में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, वहाँ से भी लोग आते थे और यहाँ पर दुआ मांगते थे, चादर पोशी करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर सूनापन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इधर आइएगा कि क्या किस तरह का भीड़ रहता था यहाँ पर आम दिनों में जब कोरोना काल नहीं था। यहाँ पे भीड़ तकरीबन 2 से 3 लाख का भीड़ होता है और ये देखने में हम लोग आज नहीं है, आज मतलब बहुत पहले से, कितने बरस पहले से यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जारीन है आते हैं। और ये भीड़ रोकने के लिए हम लोग को जिला प्रशासन और हमारे मीडिया भाई बंधु लोग जितना भी मेहनत किए, वो जितना भी हम तारीफ़ करें तो वो कम पड़ेगा। कहा कि ये भीड़ को कंट्रोल करना कोई आम चीज़ नहीं था। 2 से 2.5 लाख भीड़ कभी भी, मतलब कोई भी 7 तारीख को रुका नहीं, और ये भीड़ अबर में अगर हम लोग कंट्रोल किए तो केवल प्रशासन और मीडिया के सहयोग से, अपने कमेटी के वॉलंटियर से द्वारा ये कंट्रोल कर पाए हैं। कोरोना के कारण मुहर्रम इंतजामिया कमेटी सदर महफूज कुरैसी उचरी गढ़वा। तो आपने सुना कि इस कोरोना के कारण ही यहाँ पर इस बार आयोजन नहीं हुआ जहाँ पर लोग आते थे। हमारे साथ मासूम जी हैं, किस तरह लोग यहाँ पर बरकत की दुआ मांगते थे, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते थे? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मन ज़रूर उदास है, क्योंकि जहाँ पर आज के 7वीं तारीख में जहाँ लाखों के लाख तादाद में लोग आते थे, अपनी मन्नतें लेके आते थे, बहुत ज़्यादा मुरादें पूरी होती थी, यहाँ पर आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है। पर वक्त और देश के साथ चलना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज है, तो आज जैसे कोरोना जैसे महामारी में सारी चीज़ें बंद है, सभी के त्योहारों को नहीं मनाया जा रहा है, तो हमने भी एक निर्णय लिया ज़िला अंजुमन कमेटी ने कि इस बार हम लोग मुहर्रम बिल्कुल अपने घर में मनाएंगे। उसके बाद शांति समिति की बैठक हुई, मुहर्रम इंतजामिया की बैठक हुई, उसके बाद हम लोग लगातार 3 दिन से गाँवों का दौरा कर रहे हैं, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस हिसाब से सूना पड़ा है, लगता है कि हम लोग आपके माध्यम से, आपका मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है, लगता है कि आज हम लोग कामयाब हो गए, और वो लोग भी जो हमें समझें, जो इस कोरोना को समझते हुए आज यहाँ पर नहीं आए, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। आप देख सकते हैं कि ये हज़रत अनजान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, जहाँ पर 7वीं तारीख को लाखों लाख की तादाद में भीड़ होती है, जहाँ पर गढ़वा जिला के साथ साथ आपको पड़ोसी राज्य से भी लोग आते हैं। और आज जब ऐसे समय में जब आयोजन नहीं हो रहा है, और जब आप आयोजन जब इस तरह से नहीं हो पाता है, और हम मतलब इसको रोकने में कितना सक्षम हुए हैं ये आप देख सकते हैं, इसके लिए आपका और जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारी बातों को सुना, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर दशकों से आयोजन को देखते हैं, तो आप इधर आइएगा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे किस तरह यहाँ पर भीड़ हुआ करता था, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आते थे, आवाज़ कितनी उदासी है। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी लोग आते थे बॉर्डर से, और मध्य प्रदेश के भी, और उत्तर प्रदेश के, बिहार से, यहाँ तक जमशेदपुर टाटा से भी लोग आते थे। आज कितना मन उदास है? आज तो हम लोग को एकदम लग रहा है एकदम कुछ है ही नहीं है, ये कोरोना के डर से लोग इसका पालन कर रहे हैं, लोग इसका सबसे बहुत बढ़िया हम समझेंगे कमेटी के। आज हम शरीर के साथ यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आज मेरा देह जो है बेजान है, रूह नहीं है, क्योंकि
हम यहाँ पर चादर पोशी नहीं कर पा रहे हैं, दुआ नहीं कर पा रहे हैं क्या? आज सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना महामारी आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में व्याप्त है, और पूरे विश्व में जो है जो भी धार्मिक स्थल है सारे धार्मिक स्थल को हमारे प्रशासन कमेटी जो भी है सभी का सहयोग से उस धार्मिक स्थल को बंद किया गया। आज बहुत अफसोस हम लोग के आ रही है कि इस बाबा के पास करीब करीब 3 लाख 4 लाख की भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। आज जो है पूरे इंडिया लेवल पर, एक झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया लेवल पर ये बाबा के दीवाना है लोग, लेकिन आज हम लोग को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महामारी जो है ऐसा स्कोप लिया जो आज कई सदियों से ऐसा बीमारी हम लोग कभी नहीं देखे थे। इसी के उपलक्ष्य में आज जो लोग घर बैठे दुआ कर रहे हैं, निश्चित रूप में जो है बाबा से हम लोग को दुआ भी है कि जो जहां से भी दुआ करे बाबा उसे जो उसके मन्नत को पूरा करे। और आज जो है प्रशासन का सहयोग, मीडिया का सहयोग, हमारे मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के सारे जो है मेंबर पदाधिकारी लगे हुए हैं, और जो है उसका जो आयोजन यहाँ किए हैं वो भी जो है पदाधिकारी लगे हुए हैं। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब्दुल मनान मुहर्रम इंतजामिया कमेटी सरफरस्त। सही बात है, हम एक बार मासूम भाई के पास फिर आना चाहेंगे, अब से ये जान ले चाहें लोगों के पद तक यह बात एक बार फिर से पहुंच जाए कि किस तरह मुहर्रम मनाने का फैसला लिया गया। देखिए, मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इस बार का मुहर्रम बिल्कुल सादे तरीके से मनेगा। आज 7वीं तारीख का जो आयोजन था वो भी निरस्त हो गया है, और 9वीं-10वीं को जो करबला पे आयोजन होता है वो भी इस बार नहीं होगा। कोई ताज़ादारी नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं होगा। मतलब सरकार और जिला प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसको मुस्लिम समाज पूरी तरह से फॉलो करते हुए इस बार मुहर्रम मनाएगा। सही बात, आपने सुना कि जो मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी हैं मासूम जी, का कहना है कि हमने पहले भी कहा था कि किस तरह मुहर्रम मनाने का फैसला यहां पर कमेटी द्वारा लिया गया है, पूरे ज़िले में उसी तरह मुहर्रम मनाया जाएगा, कहीं पर जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं पर ताजिया नहीं निकलेगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा। जिस तरह आप ईद और बकरीद अपने घरों में मनाए हैं शांति से, उसी तरह सुकून के साथ इस मुहर्रम को ही मनाएं। अब आप देख भी रहे हैं कि किस तरह आज साथियों को जो भीड़ लगा करता था इस मज़ार पर, आज भीड़ नहीं लगा। 10 को बाद यह क्रम टूटा है, यह कड़ी अलग हुई है। तो साथ ही सब कोई दुआ कर रहा है, हम भी दुआ करेंगे यहाँ पर मज़ार पर, जिसके मज़ार है उन बाबा से हम भी दुआ करेंगे कि सब जो भी लोग दुआ कर रहे हैं निजात पाने का कोरोना का, सबकी दुआ मुकम्मल हो और अगले साल फिर इसी 7वीं तारीख को और भीड़ के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हो और पूरी तरह उसी तरह चादर पोशी करें और बरकत की दुआ मांगें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, अनजान शहीद मज़ार, गढ़वा।